नमस्कार, आई एम आरती फ्रॉम माइंड हिप्नोटिज्म चैनल। लाइफ में सबसे ज़्यादा तकलीफ क्या देती है? एक्सपेक्टेशन, किसी से उम्मीद रखना, किसी से उम्मीद रखना कि वो मुझे प्यार दे, वो मुझे इज्जत दे, वो मुझे मान दे, वो मुझे सम्मान दे, मेरा इसने अच्छा नहीं किया, मेरे साथ इसने बुरा कर दिया, मैं हमेशा सबके साथ अच्छा करता हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों होता है? एक बात बताइए, हम उम्मीद जब किसी इंसान के रखते हैं, सामने वाले से ये उम्मीद रखते हैं कि यार ये हमारे साथ में ऐसा क्यों नहीं कर रहा, और जब वो हमारी उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाता तो वो हमारे लिए बुरा बन जाता है। बुरा बन जाता है इसलिए क्योंकि जो हम चाहते थे वो उसने नहीं किया, तो हमने उसकी क्या रखी? उम्मीद रखी कि हम जैसा चाहते हैं वो वैसा बन जाए, पर वैसा नहीं बने। तो एक चीज़ ये सोचिए कि सामने वाला भी तो यही सोच सकता है ना कि काश तुम ऐसा होते, और शायद हमें सुनने को भी मिलता है कि काश तुम ऐसा होते, तुम भी तो वैसे नहीं थे जैसा मैं चाहती थी या चाहता था, है ना। तो दोनों तरफ में यही इसी तनातनी में ना हमेशा रिश्ते बिगड़ जाते हैं। किसी भी रिलेशन में, किसी भी चीज़ में आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए, बस आपका काम है प्यार देना, खुशी देना, आप बस वो चीज़ देते जाइए। मैं कहती हूँ, अभी कई लोग मेरा वीडियो देखने बाद कहेंगे कि मैडम विदाउट एक्सपेक्टेशन कैसे चलेगी लाइफ। देखिए, मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने हमेशा सीखा है कि प्यार देना, खुशी देनी। किसी के साथ अगर आप बदतमीजी से बात करोगे तो ऑब्वियसली सामने वाला भी आपको बदतमीजी ही देगा। तो और उम्मीदें रखोगे तो वो हमेशा तकलीफ देती हैं आपको। कुछ मत रखो, भगवान भी, हम किसी के भगवान के कहते हैं ना कि भगवान जी प्लीज़ हमें दे दो, एक चाहत मांगते हैं उसके आगे, तो वो एकदम से हमें नहीं देता है, वो हमें देता है एकदम से नहीं देता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि नहीं यार, लाइफ में हमें वो नहीं मिला जो हम चाहते थे, क्योंकि उसके प्रति हमारी ईमानदारी नहीं होती है। चाहे हम कितना भी कर ले, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। उम्मीद इंसान की उसको सच में बहुत तकलीफ देती है। जैसी चल रही है ज़िंदगी चलने दो, खुशी मनाओ, आज को जी लो, कल का नहीं पता, कल नहीं देखा किसी ने, मुझे आज जीने दो। यही आशा के साथ अपनी लाइफ में खुश रहिए। थैंक यू।